हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अगेन ऑनलाइन क्लासेस इन शांति निकेतन। टुडे आई एम कमिंग हियर टू कंटिन्यू द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर बिहेव इंग्लिश एंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर द फ्रॉम द हेड रिटन बाय इसाक एस्मो। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने कल आपको डिस्क्राइब किया था कि दिस इज द स्टोरी, ये जो कहानी है वो सेटअप इन द फ्यूचर, वो कायम है, वो फ्यूचर में है। मीन्स आज की डेट से वो ये जो स्टोरी है वो कब है, 2157 की ये स्टोरी है। एक होप मानो या इमेजन मानो कि आज की जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्या है और व्हाट इज द एजुकेशन सिस्टम ऑफ 2157। और जो ये आने वाला जो समय होगा उसमें क्या सिस्टम होगा एजुकेशन का, इस बारे में कल मैंने डिस्कस किया था। इसमें दो कैरेक्टर थे, मार्जी एंड टॉमी। तो जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, उन्हें एक बुक मिल जाती है और वो उस बुक को देखकर बड़ा सस्पेंस होते थे। क्यों? क्योंकि वो ई बुक स्टडी किया करते थे। मीन्स जो उनकी टोटल स्टडी है वो वर्चुअल क्लासेस या कंप्यूटर या रोबोट टीचर के द्वारा जो कंप्लीट स्टडी है वो हुआ करती थी। और आज प्रेजेंट में ये तो COVID-19 की वजह से ऑनलाइन क्लासेस लगानी पड़नी, वरना प्रेजेंट टाइम में क्या है कि अभी टीचर भी बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं। मीन्स बच्चे बैग लेके आते हैं और टीचर क्लास में आते हैं कंटिन्यू, और सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट क्या होता है टीचर बच्चों को पढ़ाया करते हैं। लेकिन इस जो चैप्टर में ये करेक्टर हैं इनके लिए ऐसी कोई अरेंजमेंट नहीं है। इनके लिए तो इनका जो एक रूम है जिसमें कंप्यूटर लगा हुआ है उसी को याद है, वो रोबोट टीचर है, वो ई बुक स्टडी ही किया करते हैं। देयर इज नो स्कूल लैब टुडे। उनके लिए जैसे आज मान लीजिए स्कूल है, उनके लिए स्कूल नहीं है, वो अपना पूरे स्टडी कैसे करते हैं ई बुक स्टडी से। तो अब देखते हैं आगे क्या हुआ। तो कल क्या हुआ था कि जो मार्गी का जो रोबोटिक टीचर था, उसकी मदर ने समझा कि इस रोबोटिक टीचर में शायद क्या है, कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए उसकी मदर कहाँ ले गई, उसे काउंटी इंस्पेक्टर के पास ले गई। किसे? मार्गी के रोबोटिक टीचर को। अब देखिए, जब वहाँ पे भी पहुँचे तो क्या हुआ, ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विद ए रेड फेस एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, देन टुक द टीचर अपार्ट। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद ए बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड। दैट वॉज नॉट सो बैड। द पार्ट ऑफ मार्गी एटेड मोस्ट बाय द स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 इयर्स ओल्ड एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क इन नो टाइम। ही वाज राउंड ए लिटिल मैन। देखिए वो क्या था, एक छोटा आदमी था। कौन? मैंने बताया था कि जो काउंटी इंस्पेक्टर था, आज के समय के अनुसार उसे मान लो इलेक्ट्रीशियन जस्ट लाइक द। ही वॉज राउंड ए लिटिल मैन, वो एक छोटा व्यक्ति था विद ए रेड फेस, जिसका जो चेहरा कैसा था लाल, एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स, और उसके पास एक बॉक्स था विद डायल्स एंड वायर, जिसमें क्या थे, कुछ औजार थे और कुछ तार थे। ही स्माइल एट मार्गी, वो मार्गी को देखकर मुस्कुराया, एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे क्या दिया, एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और तब वो टीचर को क्या होते ले गया, एंड द टीचर अपार्ट, और अपार्ट मीन्स
क्या किया, टीचर को सेपरेटली अलग कर दिया। मींस जैसे कि इलेक्ट्रीशियन जो कि जो कोई पार्ट होता है किसी चीज़ का, तो वो क्या करते हैं उसे खोलते हैं और उसके हर एक पार्ट को अलग कर देते हैं। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी हैड होप्ड, मार्गी को यह आशा थी कि ही वुड नॉट नो, वो नहीं जान पाएगा हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, किसी द्वारा से ठीक कैसे करना है। बट ही न्यू, लेकिन उसने काउंटी इंस्पेक्टर ने ही न्यू, वह जान गया कि हाउ ऑल राइट, किसे कैसे ठीक करना है। एंड आफ्टर एन आवर, और एक घंटे बाद देयर इट वाज अगेन, उसे ठीक कर दिया और वो द्वारा से लार्ज एंड ब्लैक एंड डब्ली, बड़ा सा काला एंड डब्ली और भद्दा सा, विद ए बिग स्क्रीन, और एक बड़ी स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, और जिसपे क्या दिखे रहे दिखे, ऑन विच ऑल द लेसन, जिस पर सभी लेसन्स वर शोन दिखाई दे रहे थे। एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड, और क्वेश्चन वर आस्क्ड, और वो प्रश्न भी पूछ रहा था, जैसे कि कंप्यूटर की स्क्रीन पे क्या क्वेश्चन चलते रहते हैं। दैट वॉज नॉट सो बैड, यह भी इतना बुरा नहीं था, क्योंकि देखिए द पार्ट मार्गी वेटेड मोस्ट, जिस भाग से मार्गी नफरत करती थी सबसे ज़्यादा, वाज द स्लॉट, क्या था वो, एक स्लॉट था, जैसे एक स्पेस होता है, स्पेस टाइप का स्लॉट, जैसे जैसे एक मोबाइल में स्लॉट होता है जिसमें हम क्या डालते हैं, चिप डालते हैं, जिसमें इट वाज द सेम पोजिशन, वेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, जहाँ पे वो क्या रखती थी अपने होमवर्क को और टेस्ट पेपरों को। एंड सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड, और सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट ए पंच कोड, दे मेड हर लर्न व्हेन सी वाज 6 इयर्स ओल्ड, और वह हमेशा उन गुप्त भाषा में लिखती थी जब वह 6 साल की थी। 6 साल की थी जब से वो हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड, पंचकोण होता है मतलब एक मीन्स, पंचकोण का मीन्स समझते हैं, जैसे देखिए कि आपका 1 2 3 4, जैसे आपने जैसे नंबर लिखे हुए होते हैं उनके नीचे, जैसे जो OMR भरी जाती है उसमें कलर गोला गोले करने पड़ते हैं, 1 के सामने 2 के सामने 3 और 4, और ये जब एक शीट होती है इस पर पंचकोण लिखा हुआ होता है, ऊपर डिजिट लिखे हुए होते हैं, नीचे क्या गोले बने हुए होते हैं, गोले फिल करने होते हैं, और क्या होता है कंप्यूटर इन्हें पूरी ओमैसी को ले लेता है और फिर इसी के अकॉर्डिंग इन जो गोले होते हैं ब्लैंक्स होते हैं इनके अकॉर्डिंग क्या करता है, वो जो तुम्हारे क्वेश्चन है उनका वो कैलकुलेट करता है। और इस काम को वो कब से कर रही थी, 6 ईयर्स ओल्ड, जब वो 6 वर्ष की थी, आज एज कितनी उसकी 11 ईयर्स ओल्ड। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क, और जो उनका मैकेनिकल टीचर था कैलकुलेट गणना कर देता था या कैलकुलेटन कर देता था मार्क उसके नंबरों की इन नो टाइम, बहुत ही कम समय में। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्गी सेड एंड सेड टू हर मदर, इट इज नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिस्टर जोन्स, आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू केक, दो थिंग्स हैपन समटाइम्स, आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल, एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री एंड ही पेटेड मार्गी सेड अगेन। मार्गी वाज डिसअपॉइंटेड, सी had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blacked out completely. So she said to Tommy, why would anyone write about school? देखिए the inspector had smiled, जो county inspector था had smiled, वो क्या हुआ मुस्कुराया। आफ्टर ही वाज फिनिश्ड, कब जब उसने ही वाज फिनिश्ड उस काम को पूरा कर दिया, मीन्स उसके रोबोटिक टीचर को क्या कर दिया ठीक कर दिया, तो वो क्या हुआ मुस्कुराया। एंड पेटेड मार्गिस है, और पेटेड मार्गिस है, और उसके सिर को
तब तब आया। प्यार करना तो सब प्रकार है। एंड ही सेड टू हर, और उसने काउंटी इंस्पेक्टर ने सेड टू हर मदर, उसकी माँ से कहा, इट इज नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये बच्ची की इसमें कोई गलती नहीं है। मिस्टर जॉन्स वाज द नेम ऑफ मार्गिस मदर। मिस्टर जॉन्स किसका नाम है? मार्गिस की मदर का। किसमें? इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, इसमें बच्ची की कोई गलती नहीं है। मिस्टर जॉन्स आई थिंक, मैं सोचता हूँ जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड, जो जियोग्राफी का जो सेक्टर है वो क्या है, वाज गियर्ड ए लिटिल ट्रिकी, वो गियर है वो थोड़ा ज़्यादा चल रहा है, आगे चल रहा है। गियर मीन्स एडजस्ट टू ए पार्टिकुलर, मीन्स गियर ए लिटिल टू क्विक। उस इंस्पेक्टर ने क्या कहा कि इट इज नॉट लाइक लिटिल गर्ल्स फॉर, ये इसमें बच्ची कोई गलती नहीं है। मिस्टर जॉन्स, जो कि मार्गी की मदर का नेम है, मिस्टर जॉन्स आई थिंक, मैं सोचता हूँ जियोग्राफी सेक्टर, जो जियोग्राफी का सेक्टर है, वाज गियर ए लिटिल टू क्विक, वो क्या चल रहा है, थोड़ा जल्दी चल रहा है। Those things happen sometimes, ऐसा कभी कभी हो जाता है। I have solved it up, और मैंने इसे क्या कर दिया है, ठीक कर दिया है, to an average 10 years, क्या कर दिया है, इसे average औसतन 10 वर्ष कर दिया है। मार्गी की एज कितनी थी, 11 years, और जो उसका रोबोटिक टीचर था वो क्या कितना चल रहा था, वो थोड़ा ज़्यादा चल रहा था, आगे चल रहा था, उसकी एज से ज़्यादा चल रहा था, तो क्या कर दिया कि वो ऐसा सेटअप कर दिया कि जैसे कि 10 ईयर्स का कोई बच्चा है उसके लिए उसे सेटअप कर दिया, तो मीन्स उसकी स्पीड जो लेवल होगा वो मार्गे के लिए सूटेबल हो जाएगा। और एक्चुअली वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, और उसका जो पूरा मेथड था ऑफ हर प्रोग्रेस, उन्नति का, इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, मीन्स कैसा था, संतोषजनक था। एंड ही पेटेड मार्गिस हेड अगेन, और उसने दोबारा से मार्गी के हेड को क्या किया, पेटेड किया। मार्गी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्गी निराश थी, सी हैड बीन होपिंग, वही आशा कर रही थी, दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, उसे तो ये लगा था जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो मेरे रोबोटिक टीचर को पूरी तरह से ले जाएगा। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर, क्योंकि वो एक बार टॉमी के टीचर को भी ले गए थे फॉर नियरली ए मंथ, लगभग कितने दिन के लिए, एक महीने के लिए, बिकॉज हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक, जो हिस्ट्री सेक्टर था वो क्या हो चुका था, पूरी तरीके से ब्लैंक, उस पर कुछ नजर नहीं आ रहा था कंप्लीटली। सो सी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन एट अबाउट स्कूल। अब देखिए ये कहानी में वही आ जाते हैं। सो सी सेड टॉमी, इसलिए मार्गी ने टॉमी से कहा कि भाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखना, स्कूल तो ये है, मीन्स स्कूल क्या है, ये है, लेकिन डिफरेंस क्या था, देखिए कि जो टॉमी था वो मार्गी से बड़ा था, इसलिए थोड़ा उसे ज़्यादा नॉलेज थी। टॉमी ये भी जानता था कि आज के हमारे जो स्कूल है और पुराने ज़माने में कैसे स्कूल हुआ करते थे। तो जो टॉमी था वो आज के ज़माने की स्कूलों की बात कर रहा था, मीन्स आज का ज़माना टॉमी और मार्गी के लिए कैसा हो चुका था, पुराना, क्योंकि मार्गी और टॉमी किस एज में थे, 2157 में, तो वहाँ से अगर यहाँ आज प्रेजेंट टाइम देखा जाए तो ये ओल्ड हुआ। तो टॉमी तो आज के युग की बात कर रहा था, और मार्गी कब की बात कर रही थी, 2157 की बात कर रही थी। तो ये अभी स्टोरी में ऐसा
मैंने आपको बताया। और ये जो टेक्नीशियन था, इलेक्ट्रीशियन था, वो भी क्या करते थे कि जैसे कोई रोबोटिक टीचर है या कोई कंप्यूटर में खराबी है तो उसे ठीक करने के लिए उसे क्या बुलाया जाता था, काउंटी इंस्पेक्टर बुलाया जाता था।